हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाता हूँ नहा धो के। तो मैंने भगवान जी के दर्शन किए, फिर फ्लाइट पर आ गया। आज मैंने चाय बनाई और चाय आज कुछ अलग तरीके की बनाई, इसलिए मैंने फिर वीडियो शूट की। तो आप देख सकते हो, कम से कम मैंने 2 कप दूध में 2 पत्ती चाय पत्ती डाली। उसके बाद फिर मैंने इसमें खद्दा लगने दिया, फिर इसके अंदर मैंने अदरक डाला। अदरक डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से चलाया और आज फीलिंग ऐसी आ रही थी कि मैं चाय भी पी सकता हूँ। फिर मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी और आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे खद्दे लग रहे हैं इसमें। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर दिया और आप देख सकते हो कितनी प्यारी चाय बन रही है। अगर आपका भी मन करे चाय पीने का तो मेरे फ्लैट पर आ जाइएगा, मैं आपको चाय पिला दूंगा। तो आज अलग तरीके से, तो अलग अंदाज से फिर चाय पी। फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए निकल गया। तो सुबह सुबह का इंटरव्यू रहता है, तो फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए गया और इंटरव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। आजकल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ना ही इंटरव्यू अच्छा हो रहा है, ना ही वीडियोस पे व्यू आ रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करो, मेरी वीडियो को वॉच करो एंड मुझे सपोर्ट करो अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद मैं 12, 12:30, 1 बजे तक वापस नहीं आ पाया, तो कंपनी वालों ने फिर लंच प्रोवाइड करा दिया। तो आजकल ज़्यादातर मेरा लंच बाहर ही हो रहा है। तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि आज लंच में क्या क्या था कंपनी वालों की साइड से, क्योंकि इंटरव्यू निकला नहीं। इंटरव्यू उन्होंने मेरा 3 बजे के आसपास लिया था, तो फिर इसलिए उन्होंने बोला कि आपका लंच हमारी साइड से है। तो फिर मैं लंच करने के लिए चला गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इनके, कुछ लंच में इनकी ये बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे को नाम भी नहीं पता, बस ये रोटी मुझे पता है और राइस और सब्जी 2-3। तो आप देख सकते हो ये कुछ इनकी चटनी थी, फिर ये सूखी सब्जी थी कुछ, और ये फिर ग्रीन चटनी थी, और बहुत सारे आइटम थे क्योंकि कंपनीज में ऐसा ही मिलता है। आप देख सकते हो ये कुछ अलग, ये भी एक और आइटम। तो देखो कितना सारा आइटम मैंने भर लिया और मेरे से वीडियो भी नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने फटाफट वीडियो कट की और खाने बैठ गया। उसके बाद फिर मैं आया 4, 4:30 बजे, तो थक गया था, फिर मैं सो गया। फिर सोने के बाद मैं शाम को थोड़ा सा कुछ खाने के लिए निकल गया, बट बिना कुछ खाए ही वापस आ गया क्योंकि थोड़ा थका हुआ था और फिर मन भी नहीं करा खाने का। तो फिर घर आ गया, आज भैया ने बना रखी थी पूरी और छोलों की सब्जी, तो फिर मैंने यही खाई। चलो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।